टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज पाकिस्तान। अब रुख करते हैं गढ़ महाराजा का। बरसात का सिलसिला शुरू होते ही आब निकासी के अमल को बेहतर करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर नयाज अहमद मुगल ने डिस्पोजल का विजिट किया और इस बात को यकीनी बनाया कि बरसात के मौसम में गढ़ महाराजा की आवाम को आब निकासी के हवाले से किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ अहमदपुर सियाल गढ़ महाराजा में। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल नियाज अहमद मुगल ने आज डिस्पोजल का विज़िट किया। सर, आज आपने डिस्पोजल का विज़िट किया, बारिशों का सिलसिला जारी है तो लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता था, लोगों की मुश्किल कम करने के लिए आज आपने खुद विज़िट किया, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा कि आपको पता है कि बारिशें हो रही हैं और इस हवाले से ये डिस्पोजल का चलना बड़ा ज़रूरी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गढ़ महाराजा में तमाम जो हमारे डिस्पोज़ल हैं वो बिल्कुल फंक्शनल हैं, मोटर उनकी बिल्कुल सही काम कर रही है। अभी भी देखें तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, वो जितना भी बारिश का पानी था वो सारे का सारा और बाकी जो पानी था वो सारा सीवरेज से निकाल दिया है उन्होंने। तो इंशाल्लाह अगर हमारी तैयारी मुकम्मल है, किसी किस्म की और भी बारिशें आती हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इंशाल्लाह शहरियों के लिए हर वक्त हम कोशिश हैं, हर वक्त हम तैयार बैठे हैं। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल नियाज अहमद मुगल की अच्छी कावश है कि उन्होंने आज यहाँ पर आकर विज़िट किया। उनका यही कहना है कि गढ़ महाराजा में आवाम को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी